नमस्कार। दिव्य योगासन की तरफ से मुंबई के निकट पीताम्बरा देवी यानी माता बगलामुखी मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो आप बैंक ट्रांसफर, पेटीएम या यूपीआई के द्वारा दान कर सकते हैं, और यह दान इनकम टैक्स के आयकर धारा ATG के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डर का व्यापार कोरोना के बारे में चर्चा करेंगे। आज पूरे दुनिया में महामारी जैसी छाई हुई है, ऐसी हालत में कुछ लोग कोरोना के नाम पर व्यापार कर रहे हैं। किसी आम व्यक्ति से उनकी संवेदना बिल्कुल कुछ भी नहीं है और उन्हें तो सिर्फ धन कमाना है। ऐसे में आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी दवाइयाँ भी आ गई हैं, लोग अपने अपने तरीके से दवाइयों के बारे में दावे भी करने लगे हैं कि ये दवा लो तो ये ठीक हो जाएगा, वो दवा लो तो ऐसा हो जाएगा। इस तरह की बातें होने लगी हैं। सब अपने अपने तरीके से इस कोरोना वायरस के नाम का उपयोग करने लगे हैं। सवाल ये है कि हमें आपको क्या करना है। हकीकत यह है कि अभी तक इसकी वैक्सीन आई नहीं है, सिर्फ एक ही उपाय है और वह है सावधानी। बात कही गई है कि बच्चों में और बुजुर्गों में इसका असर जल्दी हो सकता है और ऐसे व्यक्तियों को असर जल्दी हो सकता है जो धूम्रपान बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन इसके मूल में तो यही कारण है कि आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर कम है, फिर चाहे आप बच्चे हों, जवान हों, बुजुर्ग हों, सबके ऊपर इसका असर हो जाएगा। जब इसकी दवा तैयार होगी तब तैयार होगी। अभी तो हमारा आपका फर्ज है, हम अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखें, उसको बढ़ाते रहें और अपनी प्रतिरोधक क्षमता के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो मणिपुर चक्र है, ये हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है। अगर आध्यात्मिक रूप से बात करें तो अपने मणिपुर चक्र यानी छाती के नीचे और नाभि के ऊपर का जो भाग है, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। इसका नाम है मणिपुर चक्र, सूर्य केंद्र, सोलार केंद्र। और अगर योग की भाषा में हम बात करते हैं तो भस्त्रिका, कपालभाति, इनका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। घर से निकलने के बारे में न सोचें और सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार या 4 बार कपालभाति, भस्त्रिका प्राणायाम अवश्य करें। भस्त्रिका में ये होता है, अपने आप को एक प्रकार का झटका देना होता है। इस तरीके से कपालभाति, जिसको हम नाड़ी शुद्धिकरण कहते हैं, यानी इस तरीके से ये क्रिया ज़्यादा से ज़्यादा 1-1 मिनट तक आप करें। बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, यानी 1-1 मिनट का ये अभ्यास है। दिन में 3-4 बार अवश्य करें, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती चली जाएगी। याद रखिए, ये जो कोरोना वायरस है ये फेफड़ों की बीमारी पैदा करता है, हमारे फेफड़े को बहुत ही जल्दी ख़राब कर देता है। और ये जो प्राणायाम है, मनुष्य के फेफड़ों को मजबूती प्रदान करता है, ताकत प्रदान करता है, वहाँ की खराबियों को दूर करता है। इसलिए आप कपालभाति या भस्त्रिका अवश्य करें। बहुत सिंपल अभ्यास है, सिर्फ 1 मिनट का अभ्यास है। जब तक सरकार प्रयत्न कर ही रही है, वैक्सीन आज नहीं तो कल बन ही जाएगा, लेकिन सावधान रहना और सावधानी बरतना हमारे हाथ में है, उसका उपयोग करना ही चाहिए। आप अपनी प्रतिरोधक क्षमता को अगर बढ़ाते रहेंगे, ये अभ्यास दिन में 4 बार करते रहेंगे, तब तक आप किसी भी तरीके के संक्रमण की बीमारियों से आप दूर रहेंगे। आप इसका अभ्यास करिए, अपने बच्चों को भी करवाइए। याद रखें, 1 मिनट कपालभाति या 1 मिनट भस्त्रिका या दोनों 1-1 मिनट का अभ्यास कर सकते हैं। और जो लोग हीलर हैं, रेकी हीलर, पाणिक हीलर, इस तरह के जो चक्रों के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं, वे अपने मणिपुर चक्र पर ध्यान दें।
आप अगर घर में नहाते हैं तो पानी में थोड़ा सा नमक डाल के अवश्य नहाएं। बस इतना ही सावधानी रखें तो भी आपको फायदा होगा। तो याद रखें, आपकी प्रतिरोधक क्षमता ही बीमारी को आपसे दूर रखेगी। धन्यवाद।